कितने सीट कवर एक साथ कटते हैं? आई मीन 50 लेयर, लेयर की लेयर एक बार में 820, एक बार में 800 पीस कट जाते हैं। टेबल 4 स्प्लेंडर A1, यहां पे इनका मार्क आ गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है भाई आपका। आज हम आपको दिखाएंगे सीट कवर के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं हम, और इसमें दिखाएंगे कि सीट कवर कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार होता है, कैसे सिलाई होती है, कैसे कटिंग होती है, मतलब सीट कवर के ऊपर सब कुछ आपको आज की वीडियो में दिखाया जाएगा। और कितना सस्ता सीट कवर जो है बनने के बाद पड़ता है, और होलसेल रेट क्या है, कितने से शुरू होता है, कितने तक का महंगा महंगा मतलब अलग अलग प्राइसिंग में सीट कवर है, तो सब कुछ इसी वीडियो में आपको कवर करेंगे। यहाँ पे देखो पीछे मेरे सीट कवर पैक हो रहे हैं, तो ये मतलब फाइनल है, सब कुछ यहाँ पे बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, कटिंग भी हो चुकी है, अब ये पैकिंग हो रहा है, पैकिंग के बाद सीधा सेल में जाएंगे। तो अब ये तो हमने पैकिंग का देख लिया, बिल्कुल लास्ट का प्रोसेस है। अब आते हैं इससे पहले का प्रोसेस कि ये बनते कैसे हैं, तो हम चलते हैं सीधा मैन्युफैक्चरिंग के पास। तो भाइयों हम आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। ये अपना मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा वाला एक ऑफिस है इनका, जिसमें इन्होंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग डाल रखा है। देखो यहाँ पे सिलाई की मशीनें और ये सारे के सारे यहाँ पे थान रखे हुए हैं। ये हमारा कवर के थान है, जो भी मतलब यहाँ पे कवर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जैसे ये खुला हुआ है, तो इसकी मतलब क्वालिटी को लेकर अगर बात करें तो काफ़ी मतलब हैवी कपड़ा है ये, मोटा देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। पूरी की पूरी थाने रखी हुई है, जिस गाड़ी का भी इन्हें सिलना होता है उस गाड़ी की पंचिंग होती है और उसी गाड़ी के हिसाब से सिल जाता है। सिलाई यहाँ पे चल रही है, अभी अपना लेकर चलते हैं आपको सीधा कटिंग के पास लेकर चलते हैं कि कटिंग कैसे होती है। ये थान की थान बिछाते हैं और ये देखिए यहाँ पे ये कटिंग हो चुकी है, जितने भी गाड़ियों के सीट कवर की ये कटिंग रखी हुई है, इतना कट हो चुका है। और अब यहाँ पे देखो कटिंग चल रही है, शायद स्टार्ट कर रहे हैं, ये कटिंग चल रही है। देखो सारी इन्होंने लेयर बिछा रखी है यहाँ पे, और धीरे धीरे ये कटिंग करेंगे मशीन से पूरा कंप्लीट एक साथ। कितने सीट कवर एक साथ कटते हैं ये? आई मीन 50 लेयर, लेयर की लेयर एक बार में 820, एक बार में 800 पीस कट जाते हैं ये। तो भाई ये एक बार में 800 पीस कटते हैं पूरे कंप्लीट, किसी भी बाइक के मतलब एक ही बाइक है, इनको ये हिसाब से इस पर पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है पूरा का पूरा, और पैटर्न मार्किंग करने के बाद एक साथ में सीधा पूरे थान कट जाते हैं। कटिंग देखी थी, अब यहाँ पे कटिंग के बाद यहाँ पर आता है और ये सिलाई होता है। सीट कवर के अंदर डोरी लगाना है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे पंचिंग देख रहे हैं, ये पंचिंग है, और इसके अलावा यहाँ पे प्रिंटिंग भी देख रहे हैं। तो अभी प्रिंटिंग और पंचिंग के पास चलते हैं आपको लेके कि प्रिंटिंग कैसे होती है और पंचिंग कैसे ये लोग करते हैं सीट कवर के अंदर। तो ये हमारा ये पंचिंग का एरिया है, तो यहाँ पे भाई ये पंचिंग होती है, मशीन है पूरी कंप्लीट, और इसी मशीन से जिस भी गाड़ी का सीट कवर है उस गाड़ी की उसमें डाई लगेगी और सीधा पंचिंग होती है। तो ये हो रखा है पंचिंग, हाँ, तो ये देखिए ये इन्होंने पंच किया है। ये है हमारा सुटेबल फॉर स्प्लेंडर A1, यहाँ पे इनका मार्क आ गया और ये आ गया पूरा स्प्लेंडर। तो भाई ये इसकी क्वालिटी मतलब कवर की क्वालिटी तो है ही है, मतलब उससे ज़्यादा अच्छी इसकी जो मतलब सुंदरता है वो इस पंचिंग से बढ़ गई है सीट कवर की। उसके बाद यहाँ से फिर मुझे लगता है दूसरा चरण स्टार्ट होता है जो प्रिंटिंग का है। देखिए जैसे आपने मतलब देखा होगा शादी के कार्ड, विजिटिंग कार्ड जो छपते हैं, उसी तरीके से ये भी एक प्रोसेस है जहाँ पे सिर्फ इनको प्रिंटिंग छापनी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस बना रखा है इस तरीके से, सीट कवर जो है यहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ लोग बोलते हैं भाई हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हम खुद मैन्युफैक्चर, चाहे वो मैन्युफैक्चर ना करते हो, अलग से किसी डीलर से उठाते हो या जो भी है, पर आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही सेल करते हैं, सब कुछ ये खुद करते हैं, किसी थर्ड पार्टी वेंडर के ऊपर ये लोग डिपेंड नहीं है। खुद का इनका कपड़ा आता है, उसी को कटिंग भी खुद करना, स्टिचिंग भी खुद करना, सिलाई भी खुद करना, प्रिंटिंग भी खुद करना, एवरीथिंग सब कुछ इन्हीं के पास हो जाता है सीट कवर से रिलेटेड। चलिए इनके गोदाउन में चलते हैं, जो इनका सेल होता है कि सेल का क्या प्रोसेस है, कितने का सस्ता सीट कवर पड़ता है, सबसे सस्ता कितने का है, सब कुछ आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं A1 के बिलिंग स्टोर के पास, जहाँ से हम आप सीट कवर परचेज कर सकते हो। बिलिंग मतलब क्या प्रोसेस है बिलिंग का, ये सब अभी बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं वैरायटी क्या है, कितने रुपए से सीट कवर स्टार्ट है, कितना मतलब सस्ते से सस्ता कितने का है और महंगे से महंगा भी कितने का है। तो हम बुलाएंगे अपना भैया को, अब हमें बताएंगे, वो आपको भी बताएंगे। तो आइए भैया आप फटाफट से बताइए कितने से क्या है सीट कवर का, क्या सिस्टम है सब बताइए। मैं बता दूं ये स्टेपलर वाला सीट कवर है, ये हमारे पास 35 रुपए से लेके 81 रुपए तक की वैरायटी है। अच्छा ये स्टेपलर वाला क्या है, थोड़ा सा मुझे समझाएंगे। देखिए
सीट कवर होता है, स्टेपलर वाला क्या होता है? इसमें सीट को, इसमें क्योंकि टाइट स्किन फिटिंग ऐसे रहनी होती है, तो इसमें हम स्टेपलर का यूज करके हम उसको लगाते हैं। ये मतलब मैकेनिक का काम है, जो मतलब दुकानदार होगा वो करके देगा, है कोई मतलब वो ज्यादा वो मुश्किल, अगर कस्टमर इसे डायरेक्ट फिट करना चाहे तो नहीं, वो उससे अच्छा की वजह से बाजार, हाँ उससे बढ़िया तो करा ले। ठीक है चलो, तो ये भाई 35 कितने का बताया? 35 रुपए का, सिर्फ 35 रुपए का सीट कवर है भाई। आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतना सस्ता, मैंने खुद नहीं सोचा था कि 35 रुपए का भी आता है सीट कवर, क्योंकि अभी तक तो 250 रुपए के सीट कवर खरीदे थे खुद, और ये 35 रुपए का। अच्छा ये 35 रुपए का, इसके अलावा और भी इसमें डिजाइन बहुत सारे हैं। ये कितने का है? ये इंपोर्टेड के नाम से हैगा, ये आपका 72 रुपए का। स्पेन का A1 का देखो मोहर भी लगा हुआ है भाई, A1 तो खुद का इनका है, और यहाँ पे भी ये कितने का है? टाइटन हो गया प्राइस के। अच्छा ठीक है, और एक उनका आजकल फुटबॉल दाने वाला सीट कवर बहुत चल रहा है, इस पे दाने लगे, इसका फील भी अलग ही आ रहा है। और इसके अलावा मतलब बहुत सारे ये पैचिंग में हो गया, ये फिर डिजाइन हो गया, ये एक और डिजाइन आ गया, मतलब डिजाइन में अगर देखोगे आप तो इनके पास डिजाइन में बहुत सारे सीट कवर है। और इसके अलावा जो आते हैं रस्सी वाले सीट कवर जो आते हैं वो, हाँ वो दिखाइए। ये जो सीट कवर है ये हमारे वो है जो रस्सी वाले सीट कवर होते हैं जो नॉर्मली चलते हैं, इसमें रस्सी और पूरा बना हुआ है, कंप्लीट लिखा हुआ है, गाड़ी का नाम लिखा हुआ है इनके ऊपर। देखिए जैसे प्लेटिना का सीट कवर तो उस पर लिखा हुआ है प्लेटिना, और यहाँ पे इनकी खुद की मोहर है A1 की। और उसके अलावा फिर यहाँ पे ये एक और है, ये एक्टिवा का है, तो इनका भी इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। देखिए हमारे पास ये सीट कवर है आपका 78 रुपए से लेके आगे, आपका ये स्पीड के नाम से है, और दूसरा अपोलो की वैरायटी जो है वो आपका हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया 3 mm में क्योंकि लेदर फॉर्म का। तो तीनों का जो है अलग अलग है, मतलब ये तीनों क्वालिटी अलग अलग है ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये जैसी क्वालिटी वैसे पैसे? देखिए क्वालिटी तो सारी बढ़िया है इसमें, जिसमें ये है कि थिकनेस के हिसाब से इनके रेट है। फटेगा कोई सा नहीं, 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 नहीं। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी जिसकी हल्की थिकनेस का हिसाब है, मतलब मोटे पतले का, पर फटेगा कोई नहीं? नहीं सब। हाँ ये ज्यादा जरूरी है कि सीट कवर की लाइफ जो है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी दी जाती है। अगर सीट कवर जब तक कोई ब्लेड ना मारे तब तक नहीं फटेगा, क्योंकि ब्लेड से तो मुझे लगता है फट जाएंगे, सारे सीट कवर ही खराब हो जाते हैं। अभी किसी को दुश्मनी निकालनी है तो ब्लेड मार देगा वो खराब सीट कवर, तो ये चीजें छोड़ के मजबूत, वैसे वाटर प्रूफ है, पानी नहीं जाएगा और मजबूती भी बहुत है, खराब भी नहीं होगा। चलिए भैया ये तो सीट कवर था हमारा जो हमें दिखाया भैया ने अभी, तो अच्छा आप सीट कवर के अलावा और भी किसी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं क्या? इसके अलावा हमारे पास जो होता है रेन कवर होता है, रेन कवर यानी पूरी गाड़ी ढकने वाला कवर। ओके जो कि हमारा 95 रुपए से स्टार्ट होकर, अच्छा 95 रुपए ये सिर्फ 95। और ये इसमें भी शायद गाड़ियों का भी फर्क आता है, जैसे नहीं, नहीं, एक छोटी गाड़ी का अलग होता है, बड़ी गाड़ी का अलग होता है, ऐसा कुछ भी आता है क्या? बुलेट वाला नहीं। हाँ ये भी अगर है तो आप मुझे बताइए, छोटी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर के लिए तो ये साइज हो गया मुझे लगता है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सल टाइप है जो ज्यादातर गाड़ियों में आ जाते हैं, ये तीनों उसी को कवर करते हैं तीनों, लेकिन एक जो कुछ गाड़ियां होती हैं जिनका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रहता है उसमें ये बुलेट वाला भी हमारे पास हो गया। समझ गए, जैसे बुलेट वाला जो है एवेंजर में आ जाएगा, एवेंजर ही सबसे क्रूज के अंदर सबसे बड़ी बाइक हो गई, करिश्मा हो गई, करिश्मा और एवेंजर में बुलेट साइज, पिचानवे से स्टार्ट है, और महंगा जो लास्ट है वो कितने? 95 रुपए से लेके 195 तक, इससे ऊपर कोई नहीं है। और इससे तो ये सीट, ये तो भाई फुल रेन कवर है जो पूरा आपको गाड़ी ढक सकते हो इनसे आप, 95 से स्टार्ट है और 195 तक का है। ये तो रेन कवर हो गया, इसके अलावा भी कुछ हो रहा है अपने पास? इसके अलावा मैं दिखा दूँ आपको, हमारे पास शॉकर लॉक है जो कि अलग अलग वैरायटीज में है, ये खुद आपके खुद के A1 के हैं जी। तो शॉकर लॉक जो है उसका क्या प्राइसिंग होता है? देखिए ये 157 का है और दूसरे वाला जो है ये वाला आपका 267 रुपए का पड़ेगा, ये 267। हाँ ये 267 ना, ठीक है। ये हल्का है और ये थोड़ा सा भारी है, हाँ ये फोटो में भी दिख रहा है जैसा वैसा ही है। और इसके अलावा बाकी एसेसरीज वगैरह में भी डील करते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, इसके अलावा आपके और आइटम्स भी मैं दिखा, इसके अलावा जो बजर है ये भी एक फास्ट मूविंग आइटम है, इसमें ये 7.5 रुपए से लेके हमारे पास 11.5 रुपए तक का रहेगा। तो 7.5 रुपए का कौन सा है इनमें से? ये वाला आपका रहेगा 7.5 का, जापानी के नाम, ये 7.5 रुपए का है। हाँ जी। और ये वाला आपका रहेगा 11 रुपए का पड़ेगा, ये 11 रुपए का है और ये 12.5 रुपए, 12.5 रुपए का, और तीनों ही A1 है और 7.5 से लेके 11 रुपए तक का, 12.5 रुपए, 7.5 रुपए से लेके 12.5 रुपए तक में आपको बजर मिल जाएगा। तो बजर है ये, इसके अलावा
और ग्रिप कवर वगैरह में भी आप डील करते हैं शायद? ग्रिप कवर जो है वो क्या है, मतलब कितने से स्टार्ट हो जाते हैं? अलग अलग वैरायटीज है, बिल्कुल बिल्कुल, डिजाइन भी बहुत हो जाते हैं उसमें, तो 8.5 रुपए से लेके 16.5 रुपए तक का ग्रिप कवर हमारे पास रहेगा, जिसके अंदर आपका मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब 8.5 रुपए से स्टार्ट है सिर्फ, 8.5 रुपए में फॉर्म वाला हो गया जैसे, समझ गया, काफी सस्ते हैं ग्रिप कवर भी, ग्रिप कवर है क्योंकि इको के नाम से है, सबसे ज्यादा बिकते भी यही है शायद, फॉर्म वाले ही सबसे ज्यादा बिकते हैं क्योंकि हाथ दर्द हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो भाई ये हमारा 8.5 रुपए, कितने का बताया आपने? 8 रुपए का, सिर्फ 8.5 रुपए के ग्रिप कवर है भाई आपको, मुझे लगता है 30-40 रुपए, और कंपनी से लोगे तो कम से कम भी दे तो 100 रुपए के ग्रिप कवर मिलेंगे जो यहाँ पे 8.5 रुपए के हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे सस्ता कवर, ग्रिप कवर के अलावा कुछ और वैरायटीज हैं जो इससे सुपीरियर क्वालिटी है? अच्छा इसी, ये मतलब सस्ता वाला है था जो हमने, अच्छा ये जो है फॉर्म में ही कितने का है? ये आपको पड़ेगा 11.35 रुपए। अगर आपको फॉर्म में और भी अच्छा ग्रिप कवर चाहिए इससे भी अच्छी क्वालिटी का, तो फिर ये 11.5 जी, सिर्फ 11.5 रुपए में। ये थोड़ा सा प्रीमियम भी लग रहा है देखने में। आपका टॉवल टाइप हो गया, टॉवल टाइप बोले तो प्लास्टिक, ये रबड़, रबड़ के अंदर है टॉवल टाइप जिसे बोलते हैं, नाम है टॉवल टाइप ग्रिप कवर। इसका क्या प्राइस है हमारा? 15 रुपए और ये 16.5 रुपए, 16.5 कलरफुल है और 15 रुपए में प्लेन ब्लैक आपको मिलेगा। तो ये ग्रिप कवर भी सस्ते ही है काफी ज्यादा, मतलब मिनिमम 16 रुपए से सारे सस्ते ही है, उससे ऊपर कोई है नहीं। 8.5 रुपए से ग्रिप कवर स्टार्ट है। अब देखते हैं और प्रोडक्ट, बाकी और क्या क्या प्रोडक्ट है अपने पास? इसके अलावा हमारे पास साइड बैग, साइड बॉक्स, तो वो गोदाउन वगैरह भी है, तो चलिए गोदाउन में चलते हैं और देखते हैं गोदाउन में क्या क्या और है। तो भाई हम जा रहे हैं गोदाउन में और देखते हैं गोदाउन में और क्या क्या इनके पास है, जो वही खजाना छुपा रखा है गोदाउन के अंदर बाइकों से रिलेटेड, और देखते हैं और बताते हैं फटाफट से आपको कि गोदाउन में और क्या क्या मिल जाएगा आपको पास। मतलब एक ही दुकान पे इतना सारा स्टॉक इन्होंने कर रखा है, मैं खुद हैरान हूं कि एक ही मतलब एक 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 स्टोर है और हर चीज आपको अवेलेबल करा रखी है यहाँ पे। तो भाई ये हम गोदाउन के अंदर एंट्री कर ली, हमने देखी है यहाँ पर गोदाउन भी इन्होंने बहुत अच्छा मतलब मेंटेन किया हुआ, बना रखा है सब कुछ इन्होंने लगा रखा है। ये शायद स्टील की जो एसेसरीज है ना, तो ये भाई हमारा एसेसरीज है जो आजकल स्कूटियों में लगते हैं, जैसे स्कूटी आपने देखा होगा, नई नई स्कूटी लाते हैं, हल्का सा भी स्क्रैचेस लग जाए तो मतलब मरगाड़ खराब, पूरी गाड़ी मतलब दुख होता है बहुत ज्यादा नई नई गाड़ी में लग जाता है। बट ये जो है ये शायद सेफ्टी गार्ड है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो सेफ्टी है वो 100% श्योरिटी के साथ सेफ्टी हो जाती है स्क्रैचेस। इसके अलावा साइड बैग हो गए, साइड बैग, ये साइड बैग है जो डिग्गी फिटिंग में है शायद, ये डिग्गी बॉक्स फिटिंग में ना, तो भाई ये बॉक्स फिटिंग में साइड बैग है और काफी ज्यादा मतलब आजकल सभी गाड़ियों में लगता है, हाँ क्वालिटी भी अच्छी है और आजकल काफी डिमांड में भी है। इसके अलावा आपको तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा अभी तक एसेसरीज ही है सारी गाड़ियों के, आप देख रहे हैं चैनल गार्ड, फ्रंट गार्ड सब कुछ है, ये लेग गार्ड्स हो गए, अच्छा लेग गार्ड्स भी यूज कर डील करते हैं, तो भाई लेग गार्ड्स में भी डील करते हैं एवन में, और ये यहाँ पे इन्होंने लेग गार्ड्स ही लेग गार्ड्स भरे हुए हैं दुनिया भर की, मतलब यहीं से लेग गार्ड्स ही लेग गार्ड्स दिख रहे हैं, देखेंगे अंदर तक तो आप, मतलब इतना सारा स्टॉक इन्होंने कर रखा है कि कस्टमर कोई भी किसी भी चीज़ से खाली ना जा पाए, जो भी सामान वो मांगेगा उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एक नज़र यहाँ डालेंगे तो ये लेडीज़ फुटरेस्ट पे आ जाएंगे हम, जो एक्टिवा का देखिए लेडीज़ फुटरेस्ट स्कूटर स्कूटियों में जो आते हैं, देखिए एक्टिवा है फुटरेस्ट, और एक्टिवा में जब जो अलग से एसेसरीज पार्ट है गाड़ी नई गाड़ी के साथ नहीं मिलता, अलग से लगवाना पड़ता है, तो ये भी इनके पास मिल जाएगा आपको लेडीज़ फुटरेस्ट। उसके अलावा साइड स्टैंड भी मिल जाएगा, बताइए साइड स्टैंड, तो दिखाइए साइड स्टैंड भी, एक क्वालिटी भी देख लेते हैं एक बार कि कैसी क्वालिटी है साइड स्टैंड की। तो ये भाई हमने एक साइड स्टैंड भी ले लिया, तो ये भाई बहुत मतलब वजन में बहुत अच्छा है, इसका वजन भी अच्छा है साइड स्टैंड का और वजन में भी भारी है, तो इसका प्राइस इसका रहेगा 46.5 रुपए का। तो भाई सिर्फ और सिर्फ 46.5 रुपए का, भाई होलसेल के लिए, भाई होलसेल के लिए रिटेल में मत आ जाना लेने के लिए, भाई 46.5 रुपए मुझे स्टैंड दो, तो 46.5 रुपए का स्टैंड है जो आपको मुझे लगता है कि अगर आप अगर रिटेलर हो तो आपको कम से कम 150 रुपए से नीचे नहीं पड़ता होगा या 100-150 रुपए के बीच में पड़ता होगा। तो ये भाई हमारा साइड स्टैंड है। उसके अलावा यहाँ पे मैट पे आ जाते हैं, तो भाई ये हमारा मैट्स है जो आप देखा होगा स्कूटियों के अंदर, ये सब स्कूटी की एसेसरीज है ज़्यादातर, तो ये मैट्स है जो हमारा जो फ्लोर होता है जिसपे हम पैर रख के स्कूटी को पैर रख के चलाते हैं, तो वहाँ की ये मैट्स है, वहाँ पे रख के इसे मैट्स से क्या होता है ना, स्कूटी का जो बोर्ड है वो खराब नहीं होता, घिसता नहीं है, इसकी वजह से उसकी सेफ्टी रहती है, और मैट्स की कीमत ज़्यादा नहीं होती है। मैट्स मुझे लगता है इनके पास सारी मैट्स ही मैट्स भरी हुई है यहाँ से ऊपर नीचे तक, और इसके अलावा बस यही है, और भी कुछ होता है अपने पास? साइड बॉक्स यानी कि डिग्गी बोलते हैं, तो ये भाई यहाँ पे कोने में देखेंगे तो आप यहाँ पे दुनिया भर की डिग्गी भरी हुई है इनके पास, यूनिवर्सल डिग्गी होती है, किसी भी बाइक में आप लगाइए लग जाएगी, मेनली तो ये मोटरसाइकिल के लिए है, अगर आप
कोई सी भी मोटरसाइकिल यूज करते हो, चाहे वो स्प्लेंडर हो, पैशन हो, सुपर स्प्लेंडर हो, ग्लैमर हो, तो आपको हर गाड़ी के अंदर आप इन डिग्गियों को फिट कर सकते हो, फिटिंग सबकी सेम होती है। तो अब चलते हैं फटाफट से बिलिंग के ऊपर कि बिलिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है बिलिंग का, और दिखाते हैं आपको जल्दी से कैसे आप ऑर्डर दे सकते हैं। आ गए हैं अपना बिलिंग काउंटर पे, तो ये पीछे अगर आप देखेंगे हमारा, तो यहाँ पे बिलिंग काउंटर है। अगर आप दिल्ली के अंदर आसपास या दिल्ली के नियर बाई कहीं भी रहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर बिलिंग करा के अपना माल ले सकते हैं। कैश पेमेंट है, कैश देना है और हैंड टू हैंड माल मिलेगा। और एड्रेस और मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी बिलिंग में। बाकी अगर दिल्ली से बाहर भी आप रहते हैं, दूर हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है पेमेंट का या माल लेने का, सब कुछ आपको सर बताएंगे। तो सर बताइए क्या प्रोसेस है? आप जैसे टेलीफोन से ऑर्डर लिखवाएंगे, तो उसके बाद आपका जो भी ऑर्डर का वैल्यू बनेगा वो बता देंगे, और जो भेजने का फॉर्मेट रहेगा चाहे बाय ट्रांसपोर्ट या जैसे भी होगा वो मिलेगा। और पेमेंट का क्या रहेगा, पेमेंट का प्रोसेस? पेमेंट पूरी कैश रहेगी, एडवांस ना? हाँ जी, वो तो एडवांस। ठीक है, पेमेंट पूरी एडवांस रहेगी और अकाउंट में। अच्छा, पेमेंट का क्या मेथड होगा, जैसे फोन पे, गूगल पे, NEFT, क्या क्या होगा? सिर्फ बैंक में जमा, तो पेमेंट भाई फोन पे गूगल पे नहीं होगा। पेमेंट जो होगा आपको बैंक में RTGS, NEFT या IMPS जो भी होता है वो करानी पड़ेगी। इनके अकाउंट की डिटेल आपको ये जब ऑर्डर देंगे तब खुद फोन पे सब कुछ हो जाएगा। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और बाकी सारी डिटेल आपको जो भी इसमें अगर कुछ भी छूट रही है तो आप फोन करके पता कर सकते हैं। और बाकी जो भी माल आप इनसे मंगाते हैं दिल्ली से बाहर, उसका जो भी कोरियर चार्ज होगा वो सब आपको ये फोन पे ही बता देंगे कि कितना कोरियर चार्ज लगेगा, क्योंकि जितना माल होगा उस हिसाब से कोरियर चार्ज होगा। तो फटाफट से वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में। तब तक ले, गुड बाय।